जी बोले आपने कहा था ना आज आपका सुबह नहीं करा, मैं करा दूंगा तो वादा पूरा कर रहा हूँ मैं अपना। नहीं तो मुझे करते ना, चले खैर आपने मुझे ना कर दिया, समीर भाई को कर लिया, कोई चले। पालीजे साहब मैं ये कह रहा था, जो हमारी जो आपने कहा था कि आला हजरत ने आपके इस अबील को भी नाजायज हराम करार दिया है, और हजरत अहमद यासा नईमी रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा के मुतालिक आप कह रहे थे कि इनके फतवे से इमाम बुखारी राजी होते हैं, हालांकि उसका जवाब मैंने दिया था। क्या कहते हैं, बात आगे बढ़ाएं? बात तो मुकम्मल हो गई, फिर क्या देंगे? तो मुकम्मल कहाँ हुई थी, अभी तो मैंने दो सुर्खियां लगाए थे। आप जो हवाला देते हैं इतना मुकम्मल हुई वो आपके लिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि आप इलियास घुमन साहब ने ये कहा है कि हम छोटों को बड़ों के कामों में फतवाबाजी से काम नहीं रहना चाहिए। आपसे पूछा था, बताएं, मैंने फतवा लगाया कि आपके नजरिए पर और आपके इस पर आपके घर से फतवा लगाया? तो वो फतवा नहीं, वो फतवा इमाम बुखारी पर तो आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो हालांकि उसमें जो इबारत आपने ही लगाई है उसमें ये अल्फाज आपको नजर नहीं, आपने खुद ने पढ़े ये अल्फाज कि ये शयारे रवाफिस है। हाँ। तो ये गैर अंबिया को अलैहि सलाम कहना ये शयारे रवाफिस है, लेकिन आप उनकी इसको उठाकर इमाम बुखारी पर फिट कर रहे हैं कि इमाम बुखारी ने अलैहि सलाम कहा, हालांकि वो हदीस भी मैंने ही आपको बताई कि हाँ इमाम बुखारी ने अहले बैत के लिए अलैहि सलाम लिखा है। अब मैं आपके घर के एक दो हवाले पेश करूं? गैर अंबिया को अलैहि सलाम कहने पर उनके मैं कुछ बोलूं? अरे अपनी जाएंगे आप बोलिए। मैंने आपको पूछा था गैर अंबिया को अलैहि सलाम कहना आपके यहाँ क्या है? तो आपने कहा फौरन कि इमाम बुखारी ने अलैहि सलाम कहा है, तो मैंने आपके कई किताबों से हवाला दिया कि आपके अजमल संभली साहब की किताब से उन्होंने भी कहा है कि हां अलैहि सलाम इमाम अलैहि सलाम मजहरी मौला की किताब है। मुझे बोलने दो, मेरी बात सुनो ना, मेरी आपने कई साल सुनी है, मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेगा, आप ये कह रहे हैं किसी ने हवाला दिया है, इतना फोन काट देने सुनेगा, मैं मौका दे रहा हूँ, मेरी कौन सुन रहा है? हाँ ये कहें एक हवाला भेजा, ये कहें मैंने एक हवाला भेजा, परेशान क्यों आप? जी आप परेशान क्यों? कितने भेजे अच्छे बताए, मेरी क्यों सुन रहे हैं आपने? मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान तो आप छोड़ देंगे, मेरी सुन ना आप जी, तो आप ये कहें परेशान सुन रहा हूँ ना कितने अब तो खामोश रहो, कितने भेज दिया आपने? अरे अब तो खामोश रहो, मैंने हवाला पढ़ा आपके सामने अजमल संभली की किताब, मजहरी का मैंने हवाला पढ़ा, मैंने एक हवाला भेजा जी, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा जी, ये नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं, मेरी सुनेगा नहीं यार, बदतमीजी ना करें, सुन नहीं रहे सामने वाले की, सुन नहीं रहे आप, मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपके अजमल संभली की किताब फिर सुन नहीं रहा है आपके अजमल संभली किताब मैंने पढ़ी थी, और मैंने कहा था अजमल संभली ने भी वही कहा है कि इमाम हुसैन अली सलाम, और फतवा मजहरिया से मैंने भी कहा, उन्होंने भी लिखा है अली हुसैन अली सलाम, ठीक है? तो आपने कहा था फिर बोल रहे हैं आप, मुझे कहां भेजा आपने? मैं पढ़ के सुनाया था, मैं पढ़ के सुनाया था, अल्लाह के बंदे, अरे मेरी बात नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे मेरी बात? तो यो ये अहले इल्म का तरीका है, अपनी बेबसी लाचार की मत बताओ, आपने वो जाहिलाना गुफ्तगू कर दिया, एक स्कैन भेज के मुझसे कह रहे, मैंने कई स्कैन भेजे, पता नहीं कितने हवाले दिए आपने, पढ़ के सुनाया आपको, भेजो आपने हजरत अहमद यारखा नईमी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का हवाला लगाकर कहा कि इनके फतवे से इमाम बुखारी जो है ना राबी साबित हो रहे हैं, तो भाई मैं ही कह रहा हूँ इससे भी शदीद गैर अंबिया को अलैहि सलाम कहने पर आपके घर पर इससे भी शदीद फतवे हैं,
तो अलाउज बिल्ला क्या वो तमाम फतवे इमाम बुखारी पर चस्पा करेंगे आप? बोलो जी। मैंने ये समझाया था आपको, बयान की थी कि यहाँ जो आवाम को मौका दिया गया है, मैंने हदीस ही पढ़ी थी आपको, मन तसबा बिकौमे फाहवा मिन हूँ, मैंने कहा यहाँ आवाम को इसलिए रोका गया है कि ये शयारे रवाफिस है। और इस मैंने कई बार आपको मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँ, अब उसका फटाफट रजिया की भी इस बात सुन लें, पूरी फिर बात में जवाब दीजिएगा। आपने कहा था और आपसे आला हजरत ने सभी नाजायज कह दिया है फटाफट रजिया का, और आपने स्कैन भेजा है 491 नंबर। यार मुझे हंसी आती है जनाब, आप कहते हैं इल्मी बात, तो आप इल्मी बात करना जानते हैं? आपने ये हाईलाइट जो की है इबारत बाद जाहिल, ये यहाँ से जो आपने इसको हाईलाइट करके मुझे भेजा है, चुनाचे बाद जाहिल मुहज्जम के आश्रा में पानी या दूध की सबील ताजिया के साथ गुजरने वालों के लिए बतौर खास लगाते हैं, ये बिदअत मुहद्दसा है। मुहद्दसा नहीं होता है, मुहद्दसा नहीं होता है, क्या पढ़ा जाएगा इसको? आपने कभी जुमन खुदो पढ़ा कभी आपने? नहीं, क्या पढ़ा जाएगा मुझे बताएं, मुझे बता दें, मेरे अदब में इजाफा कर दें। नहीं, आप जैसे क्या पढ़ूंगा इसको? जब आप यार इधर उधर की बात ना करें साहब, मैं क्या करूँ बताएं, मैंने गलती की है, मेरी इस्लाह करते हैं। मुहद्दसा है, क्या करूँ, मुहद्दसा नहीं है, मुहद्दसा बिदअत मुहद्दसा है। आपने कहा, हाँ आपने कहा कि आला हजरत ने, आप जैसे ये सफा नंबर आपने 491 भेजा है, ये आप इसको 490 से पढ़ें। अब मैं बोलूँ, पहले फटाफट रजिया भी तो मैं पढ़ती, आपने मुकम्मल पढ़ लिया? कहाँ पढ़ा, अब तो मैं पढ़ूंगा भाई, अब हिस्ट्री मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं 491 भेजा था ना आपने, तो गलती क्या निकाली आपने, तो हाथी ऊंचे कर दिया आपने। इबारत यहाँ से शुरू होती है, इबारत यहाँ से शुरू होती है, सुने, खुलासा ये कि असल दारो मदार सिर्फ शर्फ, असल दारो मदार गर्फ पर है, ठीक है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि सबील का पानी पीने के लिए है और वही लोग उससे, ये इबारत यहाँ से पढ़ी है मैंने 190 से, कि वही लोग उससे इस्तेफादा कर सकेंगे तो इस पर वारिद हो, तो ऐसे पानी को घर नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि अगर बतौर खास गुजरने वालों के लिए है तो दूसरे वारिद होने वालों को उसका इस्तेमाल जायज ना होगा। चुनाचे बाद जाहिल, अब बात शुरू हो रही है, चुनाचे बाद जाहिल मुहज्जम, मुहज्जम है ना, मुहज्जम पढ़ा जाएगा ना, अली साहब बताइए मुझे, अली साहब मुहज्जम के आशूरा में पानी या दूध की सकील ताजिया के साथ गुजरने वालों के लिए बतौर खास लगाते हैं, ये बिदअत मुहद्दसा है। अब आगे पढ़े, इसका इस्तेमाल दूसरों को जायज नहीं, बल्कि अगर एक ताजिया के लिए जायज है तो दूसरे ताजिया के शोरका को इसका इस्तेमाल जायज नहीं। अब ये जो इसको शकी शरबत को इन्होंने यहाँ बिदअत मुहद्दसा कहा, पता है ये उसको कहा है जो ताजिया के साथ खास कर, समझ आ रही है, जो ताजिया के साथ खास, और आपने मुतला कह दिया कि हाँ ईसा ने सबाब को शरबत को ना जाकर आराम करार दिया। यार आप कैसी ताबीलें करते हैं यार, वो कैसी तोजी बयान करते हैं, बातों की आप समझ नहीं सकते। मैंने क्या बोला था, यार मैंने क्या बोला था जी, आपने ये बोला था कि आपके आला हजरत ने मुहर्रम में सबील को बिदअत मुहद्दसा कहा है। मैंने इबारत क्या पढ़ी थी, मुकम्मल पढ़ी थी, नहीं समझा दे सर सब, ठीक है, मतलब अब हो गया, बोल लिया, इसका तो मसला क्लियर हो गया। चले अब मुझे बोलेंगे जी, अरे आप अपनी मर्जी से इबारत पढ़ रहे हैं, आप अपनी तरफ भाग रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे, मैं ये बोल दिया, मैं जवाब नहीं दे आपका, मैंने पूरी पढ़ी है भाई, हाँ पूरी पढ़ी है भाई, हाँ हो गया ना, बात हो गई ना, हो गई ना, मतलब सबील जो है ताजिया वाले कीड़े लगाना नाजायज है और जहन्नमी वो तरीका है, बिल्कुल सही ना, कहां है लफ्ज जहन्नमी, दिखाएं मुझे लफ्ज जहन्नमी, दिखाएं, अच्छा तो बिदअत मुहद्दसा जो है ये किसका अमल है, किसका अमल है ये, ताजिया के साथ जो खास करके सबील करते हैं ये उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया है,
ना कि मुतलक कबील के लिए। यार आपने मुतलक का लफ्ज इस्तेमाल किया है तमाम कबीलों को, तो इसमें हाँ तो बिदअत मुहदसा जो है ये जहन्नमी तरीका नहीं है। मुझे ये बताएं कि तमाम सबीलों को आला हजरत ने आपने तमाम का लफ्ज जो लफ्ज यहाँ पे उसी पर बात करें आप तमाम फमामनी जो लफ्ज यहाँ लिखा उसी पर बात करें। यहाँ कैद लगाइए कि ताजिया के साथ खास लफ्ज ताजिया के साथ खास। हाँ 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 तो ये क्यों बयान नहीं किया? अब मुझे बोलने देंगे आप कि मेरे बीच में बोलेंगे आप कि आवाम को बात समझ नहीं देंगे? समझ नहीं देंगे आप? मैंने जो कहा था इबारत पढ़ के ही बता दिया था आपको, मुकम्मल इबारत पढ़ी थी मैंने, ठीक है? तो अब जो आप ये इकरार करें ऐलान करें ताजिया जब गुजरती है ताजिया के ले जाने के साथ जो पानी पिएगा सबील पिएगा तो उसके लिए मना है कि नहीं? जो ताजिया के साथ खास करके सबील लगाते हैं उनके मुतालिक ये इबारत है। ताजिया तो हमारे नजदीक तो ये जाए ताजिया के साथ खास जो साथ उसके नाम से करके लगाते हैं ये इबारत का मतलब यू है। और ताजिया के मुतालिक आप कहें तो मैं आपको अलग अलग फतवा दे दूँ। ताजिया के मुतालिक अलग ने फतवा दिया ताजियादारी हराम है, ताजियादारी हराम है, ताजियादारी हराम है जी। तो मुरब्बा चलो बात हो गई आपकी, हो गई बात। मुझे बिल्कुल बोलने नहीं देते आवाम सुनेंगे फिर बोलने दे रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हैं। जब मैं बोल रहा था अभी भी बोल रहा है, देखो अभी भी बोल रहा है, तुम्हारी आदत क्या करें अभी भी बोल रहा है, इस आदत को छोड़ो आप। जब बोलने नहीं दे रहे जो बात है वही बोल रहा हूं ना मैं, बोलने क्यों दे रहे हो मुझे? बोले आप क्या बोल रहे हैं? चलो बोले मैं ही बोलूंगा, ठीक है बोले बोले। हां चलो बोले सामीन देखें, इन्होंने बोल दिया बात मुकम्मल हो गई और वाज़ह कर दिया कि ताजिया ले जाने के साथ खाए कि जो सबील इस्तेमाल करेगा कि बाद जाहिर मुहर्रम के अशर में पानी दूध या दूध सबील ताजिया के साथ गुजरने वालों के लिए गुजरते ताजिया लेकर के उसके लिए जायज नहीं है, एक बिदअत मुहदसा है। कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ठीक है हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम है, जहन्नम हर गुमराही जहन्नम है, ठीक है? तो खैर ये तो वाज़ह हो गया, अभी आपने हदीस का फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं आपने हदीस का, फिर बोल रहे हैं भाई कुल्लू जलाला का क्या नाम है आपने हदीस का, फिर मुझे बोल रहे हैं हदीस गलत कर रहे हैं भाई, फिर मुझे बोल रहे हैं पूरी हदीस अल्लाह के बंदे कुल्लू मुहदसतिन बिदअ व कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार। मैं खाली दो दो जुमला मैंने पढ़ा था अब मुकम्मल हुआ ना, कुल्लू मुहदसतिन बिदअ व कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार, ठीक है? ठीक है हाँ, गुमराह बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम है, जहन्नम में है। जहन्नम कैसे हो, जहन्नम में कमल कैसे हो गया? आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई, हदीस समझ में नहीं आती आप लोगों को? खैर अब मैं जवाब दे रहा हूँ, इन ये बोल रहे हैं, इन्होंने हवाला मुझे दिया तुम्हारा, बोल रहे तुम्हारा इलियास घुम्मन ने कहा है कि छोटों को छोटों को बड़ों के कामों में फतवा देनेबाजी नहीं करना चाहिए, ये इस तरह धोखा देकर काम करते हैं ये लोग। मैंने इनसे पूछा था अंबिया अलैहिस्सलाम गैर अंबिया को अलैहिस्सलाम कहना क्या है, तो फौरन बुखारी कहा, हालांकि बुखारी इन्होंने पढ़ी नहीं है, ये आलिम नहीं है, फौरन कहा बुखारी में, हाँ लोगों को बताने के लिए कि हाँ बड़ा आलिम है बुखारी का हवाला दे रहा है, अभी तक हवाला लेके नहीं आया सामिन देखें, इसने कहा था अबू इमाम बुखारी ने भी अलैहिस्सलाम लिखा है, ठीक है? मैंने कहा था अजमल संभली ने भी अलैहिस्सलाम लिखा है, ठीक है सामिन? मैंने हवाला दिया, ये हवाला देखने भेजा हूँ, दोबारा भेज रहा हूँ, ये दो हवाला मैंने पढ़ा, मैंने कहा था अजमल संभली ने भी कहा है हुसैन अली सलाम, फतवा मजहरिया है हुसैन अली सलाम, हजरत इमाम हुसैन अली सलाम, दो मैंने भेज दिया आपको, ठीक है? तो दो इनके मौलवियों से मैंने तायद कर दी कि हुसैन को अली सलाम कहते हैं, ठीक है? और उन्होंने कहा इमाम बुखारी ने भी कहा है, तो अब मैंने अपने घर से कोई फतवा नहीं लगाया, मेरी आदत नहीं है कि मैं उनको अपने घर से फतवा लगाता हूँ, तो ये उनके घर के उनका घर का फतवा है, खान नहीं में लिखता है कि ये जो गैरे अंबिया को या हसन हुसैन अली फातिमा उनको जो ये अली कहे उनके मुताबिक क्या फतवा देखें सामीन, उसने खुद कहा है यहाँ पे कुरान मजीद में, कुरान मजीद में कुरान मजीद फरमाता है रजी अल्लाह अन्हु, मगर ये मुसन्निफ कहता है अलैहिस्सलाम, तो गोया अल्लाह रसूल से मुकाबला करना है, ये हरकत दाल्ला सिर्फ राबजी शिया ही कर सकता है,
रिफाया साहब ने क्या कहा, इमाम बुखारी अलैहि सलाम कहा है, अजमल सब ने क्या कहा, इमाम हुसैन अलैहि सलाम, फतह मजहब इख्तदार खान नहीं कह रहा है, एक गुमराह तरीका इख्तियार कर सकता है, हुसैन अलैहि सलाम कर सकता है, यानी हुसैन अलैहि सलाम कहना रिफाया साहब के मौलवी कह रहे हैं उनकी किताब में है कि ये गुमराहों का तरीका है और आप जी शिया ही कर सकता है, तो आप इनके घर के फतवे, अपना फतवा नहीं, इनके घर के फतवे से इमाम बुखारी को शिया राफिजी कहा, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत का मुकाबला करने वाला कहा, और ये अजमल संभली ने भी अली सलाम कह करके ये क्या कहा उसने, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत की, और अजमल संभली कौन है, जिसको अहमद यार खान नहीं मी नहीं जरा म्यूट में कर दो, कौन अजान किसके वहां हो रही, हेलो जी आप जवाब लेके जाना, अल्लाह इला इला